नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र बनना प्रारंभ। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स के जिन प्रश्नों का समाधान कहीं नहीं मिलता है उन प्रश्नों का समाधान हम लेकर आते हैं। इसी तरह की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित आंसर पर। तो देखें आज का पहला प्रश्न है, इस सत्र 2022-23 का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या नहीं। आपके भी यदि आपके प्रश्न इससे हटकर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे या फिर उससे उस पर पृथक तौर पर वीडियो लेकर आएंगे। तो देखें इस सत्र 2022-23 का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या नहीं। तो उसका सीधा साधा आंसर है हाँ। आप सबसे पहले अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्लेम ओपन करिए। यदि उसमें सत्र 2022-23 अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्लेम हो रहा है तो आप कर दीजिए। वैसे अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्लेम होता है क्योंकि हमने जब 2018-19 में बनवाया था तो उस समय लास्ट ईयर जब हम कार्यरत थे उस टाइम का भी बन गया था, अर्थात वर्तमान का भी बन गया था, तो आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। और इसकी हम क्लियर जानकारी आपको कल प्रदान कर देंगे क्योंकि हम कल स्वयं क्लेम करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ग दो में फॉर्म भरते समय अतिथि टिक नहीं किया था, अब अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते या नहीं। तो इसके लिए यदि किसी को इस प्रश्न का उत्तर यदि हमारा जो रिप्लाई है किसी को आहत करता तो क्षमा करिएगा, हम वास्तविकता बता रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए ऑप्शन ही नहीं खुलेगा क्योंकि आपने टिक पहले नहीं किया था। वर्ग एक में फॉर्म भरते समय अतिथि टिक नहीं किया था, आप अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं या नहीं। तो इसका भी करेक्ट आंसर है नहीं। आप प्रयास करके भी देखेंगे तब भी आपके में फाइल अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। वर्ग तीन के लिए अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या नहीं, हम अब बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो जी हाँ, आप वर्ग तीन के लिए भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं क्योंकि जो आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उसमें तो स्पष्ट तौर पर है ही नहीं कि आप किस क्लास किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए बनवा रहे हैं। हो सकता है आपको संकुल प्राचार्य या बाबू परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप आदेश को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो उसमें लिखा है माध्यमिक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, इसके लिए अतिथि शिक्षा अनुभव प्रमाण पत्र की कार्यवाही हो रही है। यदि आप आदेश डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पर इससे संबंधित आदेश अपलोड कर देते हैं। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।